तो आपको मिलाद कमिंग्स ऑन स्टेटस एडिट करने के लिए वीडियो के डिसीजन में जाना है। वहाँ पर शे कैपेट और बिट मार्क आपके अलर्ट मशीन में इंपोर्ट कर लेना है। और मदीन के सारे इमेज डाउन करने के लिए जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर टाइप करना है। वहाँ पर मदीन के सारे इमेज डाउन कर लेना है। और टेलीग्राम लिंक जो वर्क नहीं है गया, तो जो हमारे टेलीग्राम का जो नेम है ये आपके टेलीग्राम पे सर्च किए तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। जो शे कैपेट और बिट मार्क इम्पोर्ट करे के बाद कुछ इस तरह से दिखेंगे। पहला बिट मार्क पे टाइप करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे इमेज एंड वीडियो पे जाके, व्यू ऑल पे जाके यहाँ पर लोगो ऐड कर लेना है, जो आपका लोगो है वो ऐड कर लेना है। थ्री डॉट पे जाके फुल स्क्रीन करेंगे और लोगो को 14 मिली सेकेंड तक ये पता ही ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर प्लस करेंगे इमेज एंड वीडियो पे जाके, व्यू ऑल पे जाके पर प्लस करेंगे, थ्री डॉट जाएंगे फुल स्क्रीन करेंगे इस इमेज को, जो यहाँ पर जो रेड लाइन है यहाँ तक लाएंगे। और फिर प्लस करेंगे इमेज एंड वीडियो पे जाके, व्यू ऑल पे जाके थ्री डॉट पे जाके फुल स्क्रीन करेंगे। और इसको भी यहाँ तक ऐड कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे इमेज एंड वीडियो पे जाके, व्यू ऑल पे जाके थ्री डॉट पे जाके फुल स्क्रीन कर लेना है। अब जो है लास्ट इमेज है वो ऐड कर लेंगे, प्लस करेंगे थ्री डॉट पे जाएंगे फुल स्क्रीन करेंगे। जो जहाँ तक म्यूजिक है वहाँ तक ही रखकर यहाँ जो एक्स्ट्रा है वो काट देंगे। तो सारे में इमेज ऐड कर लिए हैं हम। अब इसमें शेक इफेक्ट ऐड करेंगे, बैक जाते हैं, टाइप करते हैं, जो पास शेक इफेक्ट है कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए यहाँ पर इफेक्ट पे जाकर, यहाँ पर थ्री डॉट पर जाकर यहाँ पर कॉपी इफेक्ट करेंगे। कॉपी हो गया और बैक जाएंगे और बिट मार्क पे जाएंगे। ये जो फर्स्ट इमेज है इसमें इफेक्ट पेस्ट करना है। इफेक्ट पेस्ट करने के लिए इमेज पे टाइप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे पेस्ट करेंगे। जो फर्स्ट इफेक्ट लग गया, फर्स्ट इमेज में ऐड करना है फर्स्ट इफेक्ट, और इस इमेज में छोड़ना है, सेकेंड इमेज छोड़ना है। तीनों इमेज में यहाँ पर पेस्ट करना है और चौथे में छोड़ना है। पांचवे इमेज में शेक इफेक्ट पेस्ट करना है। पेस्ट करने के लिए इमेज पे टाइप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट करेंगे और इस इमेज में छोड़ना है। इस इमेज में पेस्ट करना है, इमेज पे टाइप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे पेस्ट करेंगे और इस इमेज में छोड़ना है और इस इमेज में पेस्ट करना है। इमेज पे टाइप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे पेस्ट इफेक्ट करेंगे। तो इस इमेज में छोड़ना है, इस इमेज में ऐड करना है, एक इमेज छोड़कर एक इमेज में ऐड करना है। इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे पेस्ट करेंगे। और तो फर्स्ट इफेक्ट जो है लग गया। अब सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट पे जाएंगे, शेक इफेक्ट पे,
जो सेकंड जो शेक इफेक्ट है, कॉपी करने के लिए इमेज पे टाइप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, यहाँ पर कॉपी इफेक्ट करेंगे, इफेक्ट कॉपी हो गया। और बैक जाते हैं हमारे बिट मार्क प्रोजेक्ट पे, जहाँ जहाँ हमने इफेक्ट नहीं लगाया था उस इमेज में सेकेंड शेक इफेक्ट ऐड करना है। शेक इफेक्ट ऐड करने के लिए इमेज पे टाइप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे। इमेज पे टाइप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे। इस इमेज में हमने लगाया था, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे। इमेज पे टाइप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे। इमेज पे टाइप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट पेस्ट इफेक्ट करेंगे। इमेज पे टाइप करेंगे, इफेक्ट्स पे जाएंगे, थ्री डॉट पे जाएंगे, पेस्ट इफेक्ट्स टाइप करेंगे। तो सारे इमेज इफेक्ट शेक इफेक्ट लग गए। अब जो है यहाँ पर 14 मिली सेकेंड पे प्लस पे जाके यहाँ पर जो येलो शेडो है, शेडो ऐड करते हैं, इसको प्लस करेंगे, थ्री डॉट पे जाके यहाँ पर फिल स्क्रीन कर लेना है। और इसको जो वीडियो के एंड तक खींच के वीडियो के एंड तक ऐड करना है। जहाँ तक म्यूजिक है वहाँ तक शैडो ऐड कर लेना है। और शैडो पे टाइप करेंगे, बेंडिंग एंड ओपेसिटी पे जाएंगे, यहाँ पर लाइटिंग में जाएंगे, यहाँ पर स्क्रीन पे टाइप करेंगे। इस शैडो को थोड़ा और जो है यहाँ पर जो ईद मिलाद नबी पीएनजी ऐड करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे। इमेज एंड वीडियो पे जाके वीआर पे जाकर पिक्सेल ऐप में जाएंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे तो पीएनजी आ गई। और इस मूव एंड ट्रांसफर पे जाकर इस तरह से यहाँ पर रखते हैं। तो पीएनजी में एक इफेक्ट देना है, यहाँ पर इफेक्ट्स पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाएंगे, व्यू शिफ्ट में जाएंगे, यहाँ जो फर्स्ट में यहाँ पर प्लस करेंगे और एंड जो पीएनजी का एंड है यहाँ पर एक प्लस करेंगे, इसको 10x तक ऐड कर लेना है। इसका कलर जो चेंज होता है, टेन एक्स तक ही ऐड कर लेना है। तो हो गया, यहाँ पर वी शीट पे टाइप करेंगे, ये तो कंप्लीट। और एक इफेक्ट ऐड करना है जो ग्लो स्किन वाला, पीएनजी पे टाइप करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, ऐड इफेक्ट पे जाकर यहाँ पर ड्राइंग एंड एड्स पे है, यहाँ पर टाइप करेंगे ग्लो स्किन जो है इस पे टाइप करेंगे, कंट्रोल स्किन करके यहाँ पर टाइप करेंगे,
तो हमारा वो ऐड हो गए। अब जो है आपका जो लोगो है वो ऐड करते हैं। लोगो ऐड करने के लिए यहाँ पर प्लस पे जाएंगे, नीचे यूट्यूब पे जाके व्यू ऑल पे जाके पिक्सल आर्ट में जाते हैं। जो लोगों को भी खींच के जहाँ तक लास्ट है वहाँ तक ऐड कर लेना है। और जो इसका कलर, जो ग्लास कलर आने के लिए यहाँ पर टाइप करेंगे, यहाँ पर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी भी टाइप करेंगे, यहाँ पर ड्रॉन फिंस करके यहाँ पर जो फर्स्ट है इस पर टाइप करेंगे। और यहाँ उसको इस तरह से मूव एंड ट्रांसफर पे जाकर जहाँ भी ऐड करना है ऐसे छोटा कर लेंगे। तो ऐड होगा, अब जो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर टैप करेंगे, यहाँ पर वीडियो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर ऐड टैप करेंगे। तो वीडियो की क्वालिटी 720 720 पे रखेंगे। जो फ्रेम बिटरेट है उसको 6.1 Mbps रखेंगे। यहाँ पर एक्सपोर्ट पे टाइप करेंगे। तो वीडियो एक्सपोर्ट है, एक बार पांडा कॉम्प्रेस पे जाकर वीडियो को कॉम्प्रेस कर आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए।